हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आपका बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है। तो आपका इस वीडियो में इसका क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे आपको और आपको एनालिसिस भी करवाएंगे। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और आपको हमने पिछले वीडियो जो कि आपका अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड मैथ हो गया, अप्लाइड आपका मॉस हो गया जो कि केमिकल इंजीनियर को रिसर्च सब्जेक्ट है, उसका क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आप लोग उन वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन प्रेस कर रखें, जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत में और आप वीडियो को तुरंत देख पाएँ। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपका क्वेश्चन पेपर का आपको मार्क्सिंग रहने वाला है 50 मार्क्स का रहने वाला है और आपका 70 रुपये पासिंग मार्क्स है। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। और इसको हम हिंदी में प्रोवाइड कराएंगे, इंग्लिश में आपको चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हिंदी पर चलते हैं, हिंदी पर बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो हिंदी पर वह निम्न में से कोई 2 प्रश्न हल करें। तो आपका ये 2 प्रश्न का मतलब है ये 5 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन होंगे उसमें से 2 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, ठीक है। तो आपको एक अच्छे कॉम्बिशन की मतलब जो कॉम्बिशन होता है वो अच्छे कॉम्बिशन के गुण बताने हैं आपको। तो लगभग 5 पूछे हैं तो आप लोग 6 तो बता दीजिएगा और रोलिंग बैरिंग के लाभ और हानि बताने हैं तो 2 चक्कर बताओगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। स्नेक तेल का बैरिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आप लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मैकेनिकल पार्ट से है, ठीक है। क्वार्टर जोड़ को समझाइए, क्वार्टर जोड़ के लाभ उपयोग बताइए, इसमें से भी 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ये मैकेनिकल से दिया गया, पत्तीदार स्प्रिंग का चित्र वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन मैकेनिकल पार्ट से है। गियर माला की इसमें क्या मतलब, ये भी आपका मैकेनिकल पार्ट से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कुछ 2 हल कीजिए, मतलब आपका तीसरा क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी ईंट की विशेषता है, मतलब आपको ईंट की प्रथम श्रेणी की विशेषता बतानी है, जो कि ईंट होती है आपकी उसकी बतानी है, आपका सिविल पार्ट से है। सीमेंट का क्षेत्रीय परीक्षा विस्तार से लिखिए, ये भी सिविल पार्ट से है। और नींव के प्रकार कार्य समझाइए, मिट्टी की क्षमता को समझाइए, पर क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ये भी आपका क्वेश्चन है पेपर है, ठीक है, सिविल पार्ट से है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी सीमेंट कंक्रीट के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम, ये भी आपका सीमेंट से सिविल पार्ट से है, ठीक है। इमारती ये भी आपका आपके क्या है, सिविल पार्ट से है, ठीक है। ये सभी सिविल पार्ट से क्वेश्चन है, सिविल पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये 5 नंबर में दिए गए हैं। अब संक्षिप्त टिप्पणी, इसमें से आपको 5 पर टिप्पणी लिखना है, तो इसमें से 5 पर टिप्पणी लिखोगे तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ से 5-10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, इस क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें इतना ही मिला है बस, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आप तैयार कर लेते हो तो आपका 70% क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाते हैं, आपके पेपर में आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करके जाएं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट मिलेगी आपको वीडियो, आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियो मिलेगी, तो आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, नोटिफिकेशन ऑन कर रखें, जैसे हम वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।